हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ मशरूम शिमला मिर्च की सब्ज़ी। इसके लिए हमें चाहिए मशरूम। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मशरूम लिया है, जिसको मैंने इस तरह से स्लाइसेस में कट किया हुआ है। और मैंने यहाँ पर लिया है 1 मीडियम साइज ऑनियन यानी प्याज, जिसको मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। एक मीडियम साइज़ की ऑरेंज शिमला मिर्च, मैंने यहाँ पर ऑरेंज और ग्रीन का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो आप रेड एंड येलो का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च लिया था, जिसको मैंने इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का ग्रीन शिमला मिर्च, जिसको मैंने इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का टोमेटो यानी टमाटर, जिसको मैंने बारीक पीसेस में चॉप किया हुआ है। थोड़ी सी धनिया पत्ती यानी कोरिएंडर लीव्स, थोड़ी सी कड़ी पत्ते यानी करी लीव्स, थोड़े से राई दाना यानी मस्टर्ड सीड्स, हाफ अ टीस्पून जितना क्यूमिन सीड्स यानी ज़ीरा। और स्पाइसेस में हमें चाहिए नमक स्वाद अनुसार यानी सॉल्ट, हाफ अ टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च का पाउडर। ये बहुत कम स्पाइसेस के साथ बहुत मज़ेदार सब्ज़ी तैयार होती है, बहुत आसान भी है बनाने में, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी हम देखते हैं इसको बनाना कैसे है। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन, जिसमें मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसको गर्म कर लिया है। अभी हम इसमें फर्स्ट डालते हैं ज़ीरा यानी क्यूमिन सीड्स, राई दाना और कड़ी पत्ते यानी करी लीव्स। अभी इसमें नेक्स्ट जाएगा प्याज यानी ऑनियन। हमें यहाँ पर ऑनियन को सिर्फ नर्म करना है। तो यहाँ पर ऑनियन अच्छे से नरम हो चुका है। अभी हम इसमें नेक्स्ट डालते हैं टोमेटो यानी टमाटर। हमें यहाँ पर टोमेटोज को अच्छे से मैश होने तक पका लेना है। तो यहाँ पर टोमेटोज अच्छे से मैश हो चुके हैं यानी नरम हो चुके हैं। अभी हम इसमें नेक्स्ट डालते हैं मशरूम। अब इसी में जाएगा शिमला मिर्च, ग्रीन शिमला मिर्च। अब इसमें ऊपर से डालते हैं स्पाइसेस, इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी मैंने यहाँ पर फ्लेम मीडियम पे रखा है। हम इसमें डालेंगे ऊपर से बहुत थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा ना ऐड करें। 1/4 कप जितना मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करके अब हम इसको 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लेते हैं, ताकि शिमला मिर्च और मशरूम अच्छे से गल जाएं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें आगे क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको ढककर 10 से 15 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। अभी हम इसमें ऊपर से डालते हैं धनिया पत्ती यानी कोरिएंडर लीव्स और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मशरूम और शिमला मिर्च अच्छे से गल चुका है। तो यहाँ पर मशरूम और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। इट्स रेडी टू सर्व। तो यहाँ पर मशरूम और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। ये बहुत मज़ेदार बनती है, बनाने में भी आसान है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट ऑन द लाइक बटन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप मेरे वीडियोज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।